आप जानते हैं कि हमारे जो सीम हमारे जो सीम है खास जो सब्जेक्ट है इस महीना का स्टीवरशिप भंडारीपन या भंडारी होना स्टीवरशिप तो मैं हम अज्यूम करता है और हम शुभ आप जानते हैं स्टीवरशिप क्या है भंडारी रहना या भंडारीपन उसके मतलब क्या है क्या आ, उसके उसके जो आ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आ, लेकिन हम उसको बाइबल में से देखेंगे जो हमारे कर्तव्य क्या होता है आ, और गहराई से से देखेंगे और आ, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और आ, और हम क्या करेंगे कि बाइबल के मुताबिक अपने जीवन को तोलेंगे ना आ, जिसे हम जाते सुपरमार्केट प्याज कुछ खरीदते तो स्केल पर रखते हैं कि देखते हैं कितने वाइट उसका कितना है उस आ, आ, मुताबिक क्या दाम भरना है तो हमें जो हमारे जो आ, स्केल है ये बाइबल है और अपने जीवन हमें उसमें तोड़ना है कि हम हमारे जीवन कहाँ पर है अभी और क्या करना है अपना जो आ, स्केल को लेवल करने में या बाइबल के जो जो शिक्षा है उसके करीब लाने के लिए तो क्यों नहीं हम अपने बाइबल में खोलें और अच्छा रहेगा अगर आप अपने बाइबल को खोलेंगे साथ में कि आप मार्क भी कर सकते कुछ कुछ जो खास पद है वर्सेस है तो अच्छा रहेगा कि अपने अपने बाइबल बहुत स्क्रीन पर नहीं रिलाई करें अपना खुद बाइबल को खोलें और फर्स्ट कुरंतियंस चैप्टर फोर से हम पढ़ेंगे फर्स्ट कुर चैप्टर फोर फ वन से पढ़ेंगे मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा और फिर कोशिश करूंगा हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए Paulus likt hai 1 Corinthians chapter 4. So uh, let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. But with me, it is a very small thing that I should be judged by you or by a human court. In fact, I do not even judge myself. For I know of nothing against myself yet I am not justified by this but he who judges me is the Lord therefore judge nothing before the time until the Lord comes who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsel of the heart then each one's praise will come from God ta ki or se लास्ट में जो है और से हर एक की प्रशंसा होगी प्रेजलोट परमेश्वर की ओर से प्रशंसा होगी कि हम आग बंद कर ले और प्रार्थना करे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आपके वचन के लिए धन्यवाद कि आप हमें ये वचन दिया है आप हम ये इसमें से सीख सके अपने जीवन को सुधार सके आपके करीब आ सके आपके बारे में और जान सके कि क्या हमसे आप चाहते तो तब तापमेश्वर ये प्रार्थना है कि आपके पवित्र आत्मा हमसे बात करे आज हमें सीखलाए उत्साहित करे और अपने जीवन को हम आपके रास्ता पर रखें कि आप हमें हमसे प्रसन्न हो और जो प्रशंसा है वो आपकी ओर से आए हमारे ऊपर धन्यवाद तापमेश्वर इस वचन को आपके हाथ में सुपे और धन्यवाद देते ईश्व मसीह के नाम से ए मैनोड ये लिखता है खासकर अपने बारे में कि वो कहता है लोग से कि देखो हम हम हमारे ऊपर देखो और जानो कि हम सिर्फ सेवक है सेवन थे परमेश्वर के भक्त थे और उसके दास है भंडारी है परमेश्वर का और उस हमें में कुछ खास ऐसा है नहीं उसका ये शब्द है और वो वैस्तु में कहता है कि खासकर जो भंडारी है जो स्टीवर्ड है सेवनट है उसको एक विश्वास व्यक्ति होना चाहिए फैतफफुल ही शुड बी फाउंड फैतफुल जो भंडार है उसको एक विश्वास व्यक्ति होना चाहिए और आगे पोलिस कहता है कि देखो हम आ, आ, कुछ अपन आपके कोई लायक नहीं समझता है कि और हमें अगर कोई आ, आ, कुछ जज करे या कुछ नुक्स निकाले या कुछ कहे हमारे बारे में हमें नहीं परवा वो सब छोटा चीज है हमें जस्ती कौनसेंड है पीपल कौन सी बोले वो चीज़ नहीं लेकिन परमेश्वर कौन सी बोले हमारे बारे में उसमें हमें जस्ती से नहीं हमें जस्ती परवाह इसके बारे में कि परमेश्वर हमें देख के कौन सी सोचे कौन सी कहे हमारे बारे में और अंत में वो कहता है कि जो कुछ भी प्रशंसा जो कुछ भी आ, आ, जो रिवॉर्ड्स है वो सिर्फ परमेश्वर ही ओर से आता है मनुष्य के ओर से हमारे इंटरेस्ट नहीं है वो पॉलिस कहता है ख़ासकर मैं आ, जो आ, मैं इसमें से पॉइंट जो निकालना चाहता हूँ वश टू है टू में कि एक जो भंडार है भंडारी है उसको विश्वास योग्य होना चाहिए ही शुड बी फाउंड फेथफुल इसमें अगर आप अच्छे से ध्यान देगा विष्ण्य में तो पुलिस ये नहीं कहता है कि एक जो भंडारी है उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए क्वालिफाइड होना चाहिए इतना भारी भारी काम करना चाहिए इतना बड़ा नाम होना चाहिए आ, उसका पास धन दौलत होना चाहिए इतना आ, पैसा उसका होना चाहिए या आ, इतना लोग को के प्रचार किया है या मसीह के बारे में बताया वो सब नहीं सिर्फ एक ही चीज उसने कहा कि उसको विश्वास योग्य होना चाहिए फैतफुल ये जो विश्वास योग्य फैतफफुल जो शब्द है एक खास चीज़ है हमारे जीवन में हर एक चीज़ में हमें विश्वासयोग होना चाहिए कि लोग हमें देखकर भरोसा कर सके हमार ऊपर हमें रिलाय कर सके कि हाँ इस व्यक्ति को अगर वो अगर कुछ कहा है या अगर कुछ उसको दिया गया करने को कि मैं उसके हम वरी नहीं करें वो समझता है कि इसके हाथ में राइट है ये कर ली ये संभाल ली आम, कुछ मिस्टेक uh, 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 नहीं बट uh, जैसे हमें uh, uh, हमें निराश नहीं करी ये विश्वास योग्य पेसेंट हजबैंड uh, वाइफ uh, एक uh, विवाहित जीवन में एक एक uh, वे चाहते हैं कि एक दूसरे एक दूसरों जो पति पत्नी है विश्वास पति पत्नी रहे uh, ये अगर हम शायद यूज़ नहीं करेंगे वर्ड लेकिन हमारे जीवन में एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हम विश्वास करें स्कूल में एग्जाम्स करता है हम फैजफुली करें चीटिंग नहीं करें अगर नौकरी पे है तो नौकरी करें जितने तलब मिलता है उससे ज़्यादा हमें जो आवाज़ हमें मिलता है करने के हम करें पूरा विश्वास योग्य और परमेश्वर का एक ही स्टैंडर्ड uh, है और वो चाहता है कि उसका जो भंडारी है उसका जो दास है उसका जो सेवक वो फैतफफुल रहे विश्वास योग रहे कि उस पर भरोसा कर सकते हैं और आप जानते हैं कि विश्व मसीह कहाँ है कि जब जब हम परमेश्वर के एक दिन मुलाकात करेंगे स्वर में तो उसका शब्द क्या रहता है कि वेलकम द गुड एंड फैथफुल सेवन जो भला और विश्वास योग्य आ, दास है मेरा परमेश्वर का वचन तो अगर हर एक चीज में हम योग से पूरे दिल से पूरे लगन से हम अपने कार्य करेगा तो परमेश्वर प्रसन्न रहता है हमसे और वो वही चाहता है कि जो कुछ चाहे छोटा चाहे बड़ा हमें मिले करने के वो हम योग से पूरे मन से करें फाइवइट जॉब नहीं है ना इसे हम बोलते हैं और पोलिस इसमें जो जो चैप्टर फो फेस है चैप्टर फोर में खासकर कहता है कि मुझे जो मनुष्य के जो और से उनका विचार है मेरे प्रति जो चीज़ हमारे बारे में सोचता है जो जजमेंट वे करते हैं जो कुछ बोलते हैं हमारे वो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है वो छोटा चीज़ है हमारे लिए मो इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर देख कर हमें क्या कहता है उसका जो आ, विचार हमारे प्रति वो क्या है इसी कारण मी जो अपना जीवन व्यतीत किया वो परमेश्वर के भय में किया मनुष्य के भय में नहीं वो डरता नहीं था किसे चाहे उस समय उनका राजा प्राइम मिनिस्टर सिपाही कोई भी दुश्मन उससे नहीं डरता था अपना जीवन परमेश्वर के भय में व्यतीत किया और इसी कारण वो एक एक सफलता मसीह जीवन व्यदित किया उसने कितने जो बाइबल में कितना बुक्स है वो लिखा है एक एक खास व्यक्ति था परमेश्वर का दूसरे जो पद बाइबल में अगर आप लुक चैप्टर सिक्सटीन को खोलें लुक, लुका की किताब चैप्टर सिक्सटीन पद वन से लेकर थर्टीन ये भी एक जो पेरबल है एक कहानी शिमसी बताता है एक भंडारी के बारे में हमें um, पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन uh, कहानी ऐसे है कि uh, एक एक uh, कर्मचारी था 그렇지, स्टीवर्ड um, एक नौकर मे बी जो जो वे कहानी बताए तो मे बी वो मैनेजर टाइप रहा बिकॉज बॉस जो बॉस है जो रिच धनवान व्यक्ति था वो आ, आ, वो सुनता है कि ये व्यक्ति जो कर्मचारी है उसके खिलाफ में वो सुनता है कि आ, ये बेईमानी करता है काम पे नौकरी पर और जो 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 मालिक का जो वस्तुएं चीज़ है सामान्य उसको आ, करता है एग्जैक्टली क्या क्या वो करता है नहीं लिखा है लेकिन लिखा है कि उसके विरोध ऐसे ऐसा बात उठाए तो मालिक जो है ये कर्मचारी को बुलाकर और उससे पूछता है कि ये मैं सुना तुम्हारे बारे में अब तुम्हारा का हमें हिसाब करो सब चीज़ कहाँ है शायद मैं भी एक दुकान के मैनेजर था आ, जैसे आप जानते हैं यहाँ पर एक अगर शॉप है तो काफ़ी चीज़ साइड लाइन से चल देता है ना अगर ट्वेंटी डॉलर्स में नॉर्मल प्राइस है तो फाइव डॉलर में साइड से निकल देता है सो शिमला एग्जाम्पल में भी तो uh, जो मालिक के आकर uh, ये कर्मचारी से बोलता है अब हमें बुक्स दिखाओ सब कहाँ गए चीज़ लोन आगे तुम नहीं कर पाएगा अब बोस कहता है कि तुम यहाँ नहीं सकता काम करे हमारा नौकर नहीं सकता है, हमारा कर्मचारी नहीं सकता है, यू बेसिकली फाया कर देगा तुम्हें तो अब ये जो कर्मचारी ना वो घबरा गया क्योंकि वो जानता है कि सब चीज़ कोई अकाउंट नहीं कर पाई वो सब गंवा दिया इधर उधर साइड लाइन बेच दिया पैसा जेब में मार दिया है चीज़ इधर उधर कर दिया है तो वो जान गया कि वो हिसाब नहीं कर पाएगा और फिर वो अवस्त्री में आप देखेंगे कि ये जो जो भंडारी था वो अपने आप में सोचने लगा है कि अब हमें यहाँ से निकाल दें कौन सी करेगा हम कहीं और काम नहीं कर पाएगा कुछ बायोमैस्त्री बताया कि हम कहीं डिग नहीं कर पाएगा खो कुछ खोद नहीं पाएगा या भीख भी नहीं मांग खो खोदे में भी फार्मिंग नहीं कर पाएगा कुछ गार्डनिंग नहीं कर पाएगा ये दिखलाता है एक लेजी व्यक्ति था ना कौन ऐसे व्यक्ति नहीं जो जाकर कुछ खोद के कसेरा ने इसके बोल दे कुछ बताया भीख तक भी नहीं मा बोले मैं शरम लगी भीख मांगो बट सोचो बोले मैं शरम लगी भीख मांगो बट उसके शरम नहीं लगे बोस के चीज सब मारे में है ना सब आ, उसके सामान चोरी कर ली पैसा दबा ली उसमें शरम नहीं है बट जाए के भीख मांगे से शरम लगे उसके तो ये अपन आपके एक में भी एक अच्छा आ, अपन स्टैंडर्ड बना ली लोग शायद जाने इसके देखो गूंज ला आदमी कभी जाता एल टी आई ना लोग जाने आ, आ, तो सब देख कर जाने तो इसके कुछ देगा काम बनाई दी ऐसे व्यक्ति है इतना घमंड था कि अब बोले कि हम भीख भी नहीं मांग पाएगा अब हम कहा क्या हुई तो ये क्या करता है अपने बारे में सोच कर वेस फाइव से अगर पढ़ेगा तो ये जो मालिक का जो आ, आ, जो लोग उसको कुछ बाकी था कर्जदार लोग उनको बुलाया उनको बुलाकर और बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति उसको शायद हंड्रेड हंड्रेड मेजेज ऑफ ऑयल मे बी शायद हंड्रेड लीटर्स ऑफ ऑयल बोरो करी रहा या ली रहा अभी पे बेक नहीं करी से मालिक को या उसको लौटाना अभी नहीं दी तो हाल ही उसके बताइए बोले तुम हाल ही से बैठ के जो इनवॉइस है उस समय डिफरेंट सिस्टम रहा उसको चेंज कर दो जो बिल है चेंज कर दो कि तुम हंड्रेड नहीं लेके तो फिफ्टी लेके रहा और फिर दूसरा कि बुलाई वो बोले हम आ, कुछ आ, आटा ले गया वीट व्हीट हम आटा बोल के स्केचा आटा ले गया शायद 100 केजी उसको भी लॉटाइज नहीं है उसके पे नहीं करी से तो बतेस कि तुम हालिस चेंज करके 100 से आईटी कर दो कमती कर दो ये उसका मकसद ऐसा था क्योंकि वो जानता था कि ये मालिक उसके निकाले काम से तो ये क्या करता था अर्जुन कंपनीज ने उनके बॉस लोगों के ट्रस्ट बनाता था कि जब यहाँ से निकली उन्होंने उसके ले ली काम पे नौकरी पे कि उन्होंने कि उनके फायदा दिशा कि उनके जो डेट है कमती कराए दिशा तो यहाँ से जब निकली तो वो बॉस एक कंपनी ला उसके शायद काम पे नौकरी पर रख ली ऐसा उसका विचार था तो जो मालिक है वो देख के जाएंगे बोले तुम्हारे जो श्रूड ना इंग्लिश में बोले जो चलाकी जो चलाकी पन है बोले वो तो उसके जवाब नहीं बोले उसके बोले तुम बहुत चलाक आदमी है चल, चलाक रहा तो अच्छा वर्ड है एक कोई और वर्ड है वर्ड जो चलाक और बेईमान है और ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा बुरा चीज सोच सकता है सिर्फ अपने लिए अपने लिए सिर्फ अपने लिए लेकिन बाइबल कहता है इसमें सी जब ये पैरेबल बताता है कि एक दिन उसका समय आएगा क्योंकि वो सोचा इंस्टेड ऑफ अच्छा राइट हम बोस के माफी मांग ली कि हम ऐसे से गड़बड़ी किया है वो बोस को और लूट कर दूसरे को आ, फायदा देकर अपना फ़ायदा देखता रहा और वो चाहता था कि और सबके गिरा कर अपने उठे और बाइबल बाइस मसी कहता है कि एक दिन क्योंकि वो मनुष्य दुनिया से दोस्ती कर कर उनके जो चाल चलन में होकर और अपना फ़ायदा उठाता था एक दिन उसका अंत आएगा एक दिन उसका जो न्याय होगा लेकिन वेस्टर्न में कहता है लुक चैप्टर सिक्सटीन 10 में ही हु इज फेथफुल इन वट इज लीस्ट इज फाइथफुल ऑल्सो इन मच जो छोटा चीज मिला करने की है करने के चाहे कुछ भी हो और उसमें अगर आप विश्वास से अपना जो कर्तव्य निभाएगा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसको संभालेगा छोटा चीज में भी जी कहता है कि अगर तुम अगर वही व्यक्ति को और बड़ा चीज भी मिलेगा उसमें भी वो विश्वास योग्यता दिखाएगा क्योंकि वो छोटा चीज पे विश्वास योग्य था जब बड़ा चीज और मिलेगा उसको उसमें भी विश्वास योग रहेगा इसी कारण परमेश्वर कहता है जिसको कम मिला है अगर वो विश्वास योग से उसके बढ़ंती होते रहेगा उसको आशीष मिलते रहेगा और फिर बस वस, वही वश में कहता है कि जो आ, जो बुरा है जो दुष्ट है छोटा चीज में बेईमानी करता था तो अगर बड़ा चीज भी मिली उसमें भी बेईमानी करी छोटा नौकरी था उसमें बेईमानी करी छोटा में भी कैंटीन में रहा तो आ, नूडल्स कोई कि देता अपन जेब में भर के लेक्चर चल रहा बिस्किट भर लेता रहा तब बड़ा सुपरमार्केट में तब बड़ा सुपरमार्केट में बड़ा बड़ा कुकीज है ना मीठा मीठा क्रीम लाकू की चॉकलेट आस्ते से ले ली विश्व छोटा में करता था और और इनफेक्ट आप देखिए जो जो चोरी होता है लोग जो जिसका आदत है चीज़ चुराने में वो छोटे से उनका आदत हो जाता है स्कूल में कोई और के पंचल रबा ले लो तो वो बिल्ड होते रहता है वही चीज़ उनको इतना इजी हो जाता है कि इसे चलते रहो इसे उठा क्लिक चलते रहो कोई पता नहीं लगे इसकी कुछ असर नहीं पड़े एंड देन वो बढ़ते बढ़ते फिर आस्ते आस्ते फिर चैन चीने लगता है आ, घर में घुसना घुसने लगता है कहे छोटा से उनको वो आदत हो गया और उनको दिल में कुछ गिरती कुछ गिरती नहीं फील करता है क्योंकि वही बाइबल कहता है जब तुम छोटा में बेमानी करे बेमानी करेगा बड़ा चीज में बेमानी तो फिर वेस्टोर्न में कहता है कि व्हाट इज अनदर मीन्स विल गिव यू व्हाट इज योर ओन जब तुम दूसर की चीज को बेमानी से रखता है उसको अच्छे से संभालता नहीं है आम, तो अपन चीज भी कैसे रखेगा जो? कोई तुम्हें ट्रस्ट भी नहीं करी अपने चीज से जब तू दूसर की चीज अच्छे से संभाल कर रखेगा नहीं ये खास शिक्षा है हमारे लिए क्योंकि जो जोशिप का जो खास जो मेन मीनिंग है या अगर उसका अगर अच्छे से समझेगा उसके बारे में तो बेसिकली ये है कि दूसरे के चीज़ को संभालना मैनेज करना कोई और तुम्हें कुछ दी से उसको संभाल के रखना मैं एक टाइम अपना मोटर दिया था किसी को वो बोरो किया था और ये मैं मैं बताओ कि नहीं बट जब लो टायर के मोटर मिला मुझे तो चाटा ऊपर लेना उडोआ ऊपर सब चाटा और हमें बताया बोले हम हमें थोड़ा स्पोर्ट्स टाइप मोटर थोड़ा दिन में तो हमें बोले तुम कितना फास्ट चलाए मोटर कभी हम बोला हम से चलाए है तो हम ना फास्ट ड्राइवर नहीं तो हमें बताया बोले हम हंड्रेड फोर्टी ले कुछ गेरा अच्छा वो व्यक्ति के तुम सस्ता मोटर लौटा के देगा <laughs> नहीं ना आप भी जानते हो कि अगर आपने कुछ दिया होगा किसी को टूल्स कुछ दिया गया कोई चीज़ में भी, भी और वो अगर लौट कर आया तुम्हारे वो ख़राब कंडीशन में या कभी लौट कर आया भी नहीं है तो आप सोचेंगे इसके बारे में कि मैं उसको लौटार के कुछ दूंगा कि नहीं और जब परमेश्वर हमें देखता है उसने हमें शाम कि जो ये दुनिया है हर एक चीज जो इस दुनिया पे पृथ्वी पर है पेड़ पौधा मनुष्य जानवर सब चीज सब उसी का है हम उसी का है। हमारे जो एक एक सांस हम लेते हैं सब परमेश्वर का देन है अब जब वो देता है हमें और वो इंतजार करता है कि एक दिन वो हमें लौटा कर कैसा कंडीशन में लौटा रहे कैसे हमारा चीज मैनेज करता है ये हमें जो भंडारी है हमें सोचता था कि कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ प्रैक्टिकल टर्म्स में कि हम समझे कि एक भंडारी होना क्या है तो अगर समझ जैसे बाइबल वर्स कहता है कि परमेश्वर सब चीज़ सिर जाए और हमारे लिए सिर जाए हमें दिया है हमें रहने आदम और हवा को बताया एडम और को कि जितना चीज़ सब चीज़ संभालो मारो खाओ खेती करो सब चीज़ सुमारे सब चीज़ मिली उसको संभाल कर रखना है फिर भी वे गंवा दिया उसको तो परमेश्वर हमें एक भंडारी के नए इस पृथ्वी पर रखा हम उसके जो क्रिएशन है उसको कैसे देखते हैं क्या हम जब जाते हैं रबी जाते मोटर मैसे से देख जो आ, अपने घर का जो सामान है रबी ऐसे डम कर देते हैं कैसे हम अपना जो सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट उसको कैसे देखभाल करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का है तो हम जो भंडारी है हम एनवायरमेंट को कैसे संभालते हैं क्योंकि बाइबल कहता है कि हाँ एक दिन हम हिसाब हमें देना पड़ेगा सबको सोचते कि हिसाब हमें अपना जीवन के बारे में कि हम पाप करा कि नहीं वो हमारे सोच वितने वो तो अलग है लेकिन जब भंडारी है जब नौकरी है तो हमें सब चीज़ जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे आता है उसको संभालना है और हमें हिसाब देना है हमारे जो परिवार हमें मिला है या नौकरी मिला है या अगर हम पढ़ाई करते हैं हर एक चीज़ परमेश्वर की ओर से मोटर गाड़ी अगर है, वस्तुएँ हैं जो हमारे मिला है, कैसे हम उसको संभाल कर रखते हैं कैसे उसको जब अगर मोटर गाड़ी है तो हम लोग को मदद करते हैं लिफ्ट देते कलिसिया में घर को छोड़ देते या पिक कर लेते परमेश्वर के महिमा के लिए आ, क्या जो नौकरी मिला है आपको आप प्रार्थना करवाते कि प्रया कर दो नौकरी मिल जाए तब नौकरी मिल जाता है तो क्या आप पूरे योग्यता से अपने काम पर नौकरी करते है? जितना आवाज़ आपको देना है आप करते हैं। क्या कुछ ऐसे नहीं है कि इनफैक्ट बायोल में एक, एक पे, कोई भी है कि आ, जो मालिक है वो कहीं और गया था और जो नौकर जो कर्मचारी है वे जानते थे कि बॉस अभी नहीं है तब तो एंजॉय करते रहे तो जैसे बॉस आए तो ये र हमारे लड़के ने स्कूल पढ़ लेना पढ़ना अरे घर रह के होमवर्क सब कर लेना है तो जब जब हम लौट कर आता तो वे देख लेते सुन लेते मोटर आए <laughs> है ना हम जानते हैं सबके लड़के कुछ नहीं मैं भी खाली हमारा लड़के नहीं से, आपके नहीं सही तो कम नहीं था बट तब हाली से बुक फोन रखा जाए टीवी ऑफ हो जाए कंप्यूटर ऑफ हो जाए तब हाली से होमवर्क कर लेंगे तो बाइबल कहता है कि ऐसा ना हो जाए परमेश्वर इस ये केस इसमें तो मोटर वे देख लेते आ, आता है आवाज़ सुन लेते हैं लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर एक ऐसे समय आएगा एक चोर के नहीं, चोर नहीं है बट चोर के ना लोग कहते हैं कहता है, है कह जाता है कि बिटवीन थ्री ओ क्लॉक मे बी और फोर इन द मॉर्निंग सुबह सबसे गहरा नींद वही समय वही टाइम लगता है वही टाइम दस्ती चोरी हुए घर पे घर में हला जाए ऐसा ना हो कि परमेश्वर आ जाए और हम uh, बीतराउंड करते हैं हमारे जीवन uh, परमेश्वर के uh, जो जो चीज़ हमें करना है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एज अ सेवेंट ऑफ प्राइस एज अ चाइल्ड ऑफ क्राइस जो घर में हमें परमेश्वर के घर में परमेश्वर के राज में जो चीज में करना है हम वो किनारे कर, कर अपना कुछ करने लगता है तो जैसे मैंने कहा था अपने एनवायरमेंट को अपने जो वस्तुएं जो परमेश्वर ने दिया नौकरी में हम कैसा विश्वास से कार्य करते अपने परिवार को कैसे हम देखते संभालते क्या हम शिक्षा देते उनको अपने बच्चों कैसा हमारे जो जवान वो हम के जो बातचीत है क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है जो काबिलियत कि हम बात कर सके हम बोल सकते हैं तो क्या बोलते हैं हम हमारे एक एक शब्द को हिसाब देना पड़ेगा तो क्या हम हम विश्वासता से बात करते हैं हमारे खास कर हम जो चीज बोलते हैं किसके बारे में कौन चीज बोलते हैं, कहाँ कोई चीज सुनकर क्या बोलते हैं? उस पर हमारे जो हिसाब देना परमेश्वर हमसे पूछेगा किस किसके बारे में कौन सी चीज़ बोला ये सब क्या क्या हम सोचा क्या क्या, क्या किया उसका हिसाब देना पड़ेगा, ये एक भंडारी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम परमेश्वर के राज में है उसके चेले हैं जब हम तो हमारे कर्तव्य कर्तव्य होता है कि ये सब चीज हमें संभाल कर मैनेज करना है कैसे मैनेज करना है अपना समय कैसे मैनेज करते हैं परमेश्वर के जब घर में होना चाहिए लेकिन हम ऑलरेडी कुछ और प्लान कर लिया है कभी कभी ऐसे कुछ आ जाता है जो हमें जरूरी पड़ जाता है तो हम कलिशिया मिस कर देते हैं लेकिन अगर ऑप्शन है कलिशिया में रहना परमेश्वर की आराधना महिमा करने में लेकिन हम चूज करते हैं कि कुछ और करने के लिए तब हम विश्वास योग नहीं है ये सब प्रैक्टिकल चीज हम बताते हैं जो रोज बरोज हम करते या नहीं करते ख्याल करना परमेश्वर चाहता है कि जो आ, जो भंडारी है जो सेवक है परमेश्वर का जो दास है परमेश्वर का दासी वो विश्वास योग्य विश्वास योग अपना जो कलिशिया में जो हमारे आ, जो कार्य करना है कितने जैसे अपने घर घर संभालते घर संभालते घर साफ सफाई करते आ, आंगन साफ साफ रखते घर जिसे मैनेज करते परमेश्वर का भवन परमेश्वर अपने तो नहीं आकर कर यहाँ साफ सफाई करेगा क्या कौन करेगा हम जो उसका भंडारी है और हमें खुश रहना चाहिए कि हमें मौका मिलता है कि परमेश्वर घर को एवरी ना एंड देन एवरी महीना में दो महीना में शायद एक समय आपके एरिया को मिलता है यहाँ पर सफाई करने के अरेंजमेंट्स करने के लिए आप विश्वास योग्यता से क्या करते हैं या नहीं आप जानते हैं विश्वास योग्यता है फैथफुलनेस क्या मीन करता है अपना पूरा दिल से कुछ करना है क्या मीन करता है उसका उसका मतलब क्या है आप जानते हैं अच्छे से और अगर आप सोचेंगे अपने बारे में और जो जो चीज हमें करना था क्या आप बता पाएंगे कि आप कितना परसेंट उसमें दिया है फिफ्टी परसेंट कि हंड्रेड परसेंट दिया कि वन परसेंट दिया कि जीरो परसेंट दिया है. कितना अपना मन से आप कुछ किया है परमेश्वर के लिए ये विश्वास योग्यता से हम कुछ करते हैं। अपने परिवार को हम कैसे संभालते हैं? जिसे मैंने कहा अपने बच्चों को कैसे संभालते हैं? कई लोग को हिसाब देना पड़ेगा क्योंकि अपने बच्चों को हम संभाल नहीं पाए कुछ शिक्षा नहीं दिए मसीह होकर बट मिस्टेक नहीं करना कि आप नहीं सकता ब्लेम करें कि बड़े लोग कि वो हमारे पेरेंट्स ऐसे करिश्ता हम ऐसे निकल गया वो लेम एक्सक्यूज का कर जाए क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना जीवन जब बड़ा हो जाता है जब समझ आ जा जाता है अपना जीवन खुद बनाता है और अब तुम अपने पेरेंट्स के द्वारा स्वर्ग नहीं जाएंगे आपके पेरेंट्स चाहे पादरी था पादरी है मुझे उसके द्वारा स्वर्ग नहीं मिलेगा मुझे खुद अपना रास्ता स्वर को लिख जाना है परमेश्वर से रिश्ता रखना है और एक अच्छा भंडारी जो है हर एक चीज उसके जितनी जो आस पास है एक अच्छा भंडारी स्टाइल संभालता है Fightfully. कल एक विवाह था भाई एडविन का और सवाद खाना था हमें नहीं जानता कुक कौन था कौन कम कुछ लोग को वो हाया किया था खाना बनाने और खसी के गोस्ता था आप लोग मिस कर दिया प्लाव था वेजिटेबल था भाई रॉबर्ट था कि सवाद खाना रहा सवाद खाना रहा है थोड़ा हद से ज़्यादा खा लिया मैं बट मैं नहीं जानता कुक कौन था बट हम जानता कि भाई एडविन के शादी में सवाद खाना था पादरी भी यही एग्जांपल दिया था कल मैंने एक्सपीरियंस किया कि हम कि जो हम हम जो भंडारी है परमेश्वर का उसका दास है हम जो कुछ भी करते हैं हमें चाहे कोई प्रशंसा करे चाहे नहीं लेकिन जो हम करते परमेश्वर का ही प्रशंसा होना चाहिए ऐमे और अगर हम जैसे अंत में सोचो कि किसका एग्जाम्पल हम देखिए बाइबल में से तो हम यीशु मसीह का खुद का एग्जाम्पल देखें यीशु मसीह एक कैसा भंडारी था जब वो पृथ्वी पर था हर समय वो पिता का अपना ऐलान करता था कि मेरा पिता ने मुझे भेजा है उसके वो हमें इंस्ट्रक्शंस देकर भेजा कि मुझे आ, आ, जो खोए हुए लोग हैं उनको बचाना है उसका जो मकसद था वो विश्वास योग्यता से क्रूस जो पीड़ा था जो सिपाही था उसको उससे वो डरा नहीं, अब वो मकसद से हटा नहीं, वो जानता था कि मैं विश्वास योग्यता से अपना जो कार्य के लिए जो मुझे भेजा गया वो पूरा करूंगा जब वो पृथ्वी पर था तो वो जगह जगह, जगह जाकर परमेश्वर के बारे में बतलाता था सिर्फ वो नहीं लेकिन गरीब को मदद करता था उनके लिए प्रार्थना करता था घर घर जाता था लोगों के घर पर जाकर उनको उनके साथ समय बिताता था उनके साथ भोजन करता था उनके लिए विनती करता था चंगाई करता था जो जो लोग को समाज अलग कर दिया था ठुकरा दिया था उनके करीब नहीं आना आने देता परमेश्वर यीशु मसीह उनके पास जाकर उनसे रिश्ता रखा था अब हम हमारे जीवन और यीशु मसीह के जो जो जिस तरह वो इस पृथ्वी पर था अपने मित्र के साथ जो दिसाइपर से समय बिताता था आम, और वो आ, क्या कहते मंदिर टेम्पल जो था सिनेगो वहाँ भी जाता था समय बिताता था हम भी वो चीज़ करते कली आते मसीह के लोग के साथ में समय बिताते लोग के घर पर जाते मेल मिलाप करते लोगों के लिए जाकर प्रार्थना करते ये खाली पादरी के काम नहीं है एरिया मिनिस्टर के काम नहीं है हर एक क्योंकि इस मसी कि जीवन जो था पृथ्वी पर हमारे लिए के एक एग्जाम्पल एक, एक, एक लक्षण है हमारे लिए हमें फॉलो करना है जो चीज करता था परमेश्वर oh, था तब सबके लिए प्रार्थना करता चंगाई मिलता था हाँ हमें भी वो अधिकार मिला कि जाकर लोग के ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना करेंगे हम तो नहीं चंगाई देगा आप तो नहीं चंगाई देगा लेकिन परमेश्वर चंगाई देता है आपके द्वारा तो ऐसा नहीं सोचे कि वो ईशु वो डिफरेंट लेवल के रहा हम उन ऊच लेकिन यीशु मसीह जो जो चीज किया इस जब तक था हम सब वो कर सकते हैं। वो इवन मंदिर जाकर साफ सफाई भी किया झाड़ू लेकर जानते हो कि वो जाकर और जितने लोग थे वहाँ बिजनेस करता था और उनके डंडा लेकर झाड़ू लेकर और टेबल सब उल्टा था साफ सफ सफाई किया था तो हमारे भी करते हुए होता है परमेश्वर के भवन में आकर और साफ़ सफाई करें सिंपल जो चीज़ यीशु मसीह किया था हमें हम करना है और हम अगर अपने आप को जांचे हम जब कम्युनियन लेते हैं हर समय यहाँ पर और पादरी कहता है कि बाइबल में जब पढ़ता है कि हर एक लोग अपने आप को जांचे, सर्च करे अंदर झांक कर देखे कि क्या विश्वास योग है जो, as a, as a steward, एक व्यक्ति जो परमेश्वर ने हमें इस जगह पर रखा है चाहे जो कुछ भी आप करते हैं छोटा से बड़ा क्या आप विश्वास योग से करते हैं चाहे कोई देखे चाहे कोई कुछ तुम्हें प्रशंसा करे चाहे नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट है कि जब परमेश्वर आपके देखे कैसे आप कौन सी करता है कैसे आप बातचीत करता है कैसे आप आ, अपना जीवन व्यतीत करता है कैसे अपने फैमिली लुकावटा करता है कैसे अपना घर लुकावटा करता है अपना जीवन कैसे लुकावटा करता है जो परमेश्वर ने दिया है क्या परमेश्वर क्या देखकर सोचता है आपके बारे में आप अपने बारे में सोच कर क्या बो बोलते हैं अपने बारे में दूसर के बारे में नहीं अपने बारे में दाऊद ने प्रार्थना किया प्रभु मेरे अंदर को सच मी ओ गॉड एंड नो माई हार्ट हमारे दिल को जानो क्या जो बुरा है उसमें से निकाल दिखा हमें दिखला कि मैं अपने आप को सुधार सकूं मैं अपने जीवन को आपके रास्ता पे ला सकूं हमें जो परमेश्वर के भक्त जो अपने आप को जब हम समर्पण करते हैं, जब फर्स्ट टाइम आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया अपने जीवन को अपने समर्पण किया है अगर सचमुच में समर्पण किया है तो आप जानेंगे कि आप जिसे बाइबल में कहता है कि मैं वी आर नॉट आ ओन हम अपने आप में नहीं हैं हम परमेश्वर के हो गए और हमें उसके लिए जीना है कैसे हम अपना जो चंदा और दशमांश छोड़ते हैं अगर आप सचमुच में समर्पण कर दिया है परमेश्वर को तो आपके जो टेन परसेंट आपके कमाई में से चाहे वन डोला आता है चाहे टेन डॉलर आता है चाहे हंड्रेड डॉलर आता है टेन परसेंट आप बिना सोचे समझे छोड़ देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ये परमेश्वर का है टेन परसेंट ये आपका टाइम और अफसोस पहला टेस्ट कई लोग फेल कर देते हैं पहला टेस्ट जैसे आप को स्वीकार करते हैं उसके रास्ता पर चलते हैं कई लोग अपना जो, जो टाई दे, वो रोक लेते हैं और जना देता है कि सचमुच में समर्पण नहीं हुआ है सचमुच में आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा है क्योंकि अगर आप सचमुच में भरोसा रखते उस पर तो आप जानेंगे कि जो 90 परसेंट आपका जो कमाई में बचा है वो आपको पूरा जो दो हफ्ता है जब जब आपको तलब मिलता है पूरा लेकर जाएगा और बच भी जाएगा ये विश्वास योग्यता है और कई लोग फेस्ट में फेल कर देते हैं लेकिन बाइबल एनकरेज करता है कि हम जो कुछ करें पूरे विश्वास योग्यता से करें पूरे मन से करें और देखे कि जब हम विश्वास योग्यता से करते हैं अपने जीवन व्यतीत करते हर एक चीज में जो चीज हमें मिला है जो हमारे कर्तव्य होता है पूरे दिल से हम करते हैं पूरे मन से परमेश्वर की महिमा के लिए उसका जो आशीष है उसका हाथ बरकत जो आपके जीवन में आपके पढ़ाई पढ़ाई लिखाई में आपके नौकरी में आपके परिवार में सब चीज में आप परमेश्वर का हाथ रहेगा कई लोग प्रमाण के ऊपर प्रमाण से सक, दे सकता है कि परमेश्वर कैसे उनको संभाल कर रखा है मैं एक एग्जाम्पल मेरा जीवन आप भी दे सकते हैं लेकिन कई लोग एक्सपीरियंस नहीं किया है और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं ये सिर्फ पैसा के बाद नहीं है लेकिन एक 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 लाइफस्टाइल है एक, एक तरह का जीवन है आपका समर्पण का जीवन देने वाला जीवन क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर का ही है और जब आप ये जान लेगे दिल में ठान लेंगे आपका जीवन और आनंद का जीवन रहेगा में आप खड़े जाए खड़े जाए मेरे साथ में कभी सोचा अगर हम अपने अपने आप अगर हम परमेश्वर के जगह रहते तो हमारे ऊपर कितना बोझा रहता कि हमें सब चीज संभालना है अगर हम परमेश्वर की जगह होते अगर सब परमेश्वर बोलता राइट अब हम नहीं परमेश्वर सब कोई ना अपन परमेश्वर है अपन अपन तुमन अपन परमेश्वर है क्या होता सब दुनिया के बोझ हम हमारे ऊपर आ जाता लेकिन जब परमेश्वर कोई और हमें से मनुष्य तो हम सब सब चीज उसके हाथ में छोड़ सकते हैं। हमारे जो ओवरहेड्स बोलते हैं जो जो बिजनेस कहते हैं अकाउंटिंग ओवरहेड्स जो एक्स्ट्रा चीज हमें उसके बारे में चिंता नहीं करना है क्योंकि हम जानते हैं कुछ भला है और धन्यवाद परमेश्वर दिया है कुछ बुरा हुआ है परमेश्वर के हाथ में है तो हम अपन ऊपर ब्लेम नहीं सकता ले या कोई और के ब्लेम नहीं सकता करें परमेश्वर के हाथ में वो जाने को तो इसी कारण से हम के स्ट्रेस लेवल कम रहे वरी लेवल कम रहे क्योंकि हम जानते वो, वो परमेश्वर जाने को झिके आप सोचते हैं कि जब हम फैमिली कहीं अगर जाते हैं बच्चे सबसे अगर हम घूमने जाते हैं या कहीं कुछ करना जाता है शॉपिंग जाते या बच्चे के साथ में किसके ऊपर जस्ती स्ट्रेस रहे पेरेंट्स के ऊपर ना ये भी खर्चा हुई ये करेगा लड़का कितना हेरा नहीं जाए पेरेंट्स के मुड़ में सब स्ट्रेस यही करना वो करना और बच्चे क्या करते हैं बच्चे इधर उधर हैं खेलते मांगता है वो मांगता है नही पड़वाए ऐसा हमें अपना जीवन व्यतीत करना है क्योंकि हम जानते सब चीज परमेश्वर का है वो संभालेगा हमें वो सिर्फ चीज नहीं वही करना है सिर्फ जो चीज परमेश्वर चाहता है वो चीज करना है तो मैं आपसे इंकरेज करना चाहता हूँ एक चीज जान ले हम सब जो कुछ है जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर का ही है हमें सिर्फ योग्यता से अपना कार्य करना है परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आज से आपका जीवन का सोच और जो चीज आप करते हैं वो बदल जाना चाहिए जब यहाँ कलिशिया में क्लीनिंग ना टाइम आपके पूरे एरिया के लोग यहाँ होना चाहिए ऐसा नहीं कि एक दो जन तीन जन आते कलिसिया में कुछ करना है परमेश्वर के भवन है आप अपना घर आंगन और सब चीज उसी तरह संभाले अपने नौकरी पूरे हृदय से पूरे प्रेम से पूरे लगन से क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर देखता है वो प्रसन्न होगा प्रेस लोन हेमेन किनेम प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा से हमारे हृदय में एक आ, को ला देवता परमेश्वर कि हम हर एक चीज में अपने आप को जांचें हर एक चीज में जो कुछ हम करते हैं जो कुछ बोलते हैं जहाँ भी जाते हैं अपने आप को आपके धर्मशास्त्र बाइबल से तोल कर रखें वही करें कि हम कहाँ पर हैं जांच दे पिता परमेश्वर हमें मदद करके कि हम जाने कि हम अपने में कुछ नहीं है तेरे बिना हम कुछ नहीं है और हमें मदद कर पिता परमेश्वर कि हम एक विश्वास योग दास एक विश्वास योग भंडारी एक विश्वास स्टीवर्ड बने आपकी ही महिमा आपकी ही प्रशंसा के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर ये मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं ऐ मैन